देखिए, हम आज आप लोगों को बताएंगे कक्षा 8 में कि गणित में शांत दशमलव संख्या क्या होती है। शांत दशमलव संख्या ऐसी परिमेय संख्या जिसमें भाग की क्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्या। जैसे देखो, 3/4 है तो आप 3 में भाग किसका देंगे? 4 की। 3 अंश है, हर कितना है? 4 है, तो आप 3 में भाग देंगे 4 की, तो 3 में भाग 4 की जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे तो सुनना हो जाएगा, ठीक ना? तो देखिए, दशमलव बढ़ा के सुनना ले लिए, तो 4 से भाग देंगे 30 में, तो 4 × 7 = 28 हो जाएगा, 2 आ गया ना। तो जब एक बार दशमलव लगा देते हैं तो सुनना बढ़ जाएगा अपने से। अगर एक सुनना बढ़ाना है तो 2 में भाग नहीं जाएगी, सुनना बढ़ा दो, 4 × 5 = 20। तो 3/4 जो होगी ये शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि भाग की क्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाती है। फिर देखो, यहाँ दूसरा क्या है इसका? 7/5, तो 7 में किसकी भाग देंगे? 5 की। 5 × 5 = 5, 5 × 5 हो गया ना, तो 5 × 5 हो गया, तो यहाँ बच गया 2। यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया, भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ा देंगे ना, तो सुनना आ गया 5 × 20। तो 7/5 भी जो होगा कैसी संख्या होगी? शांत दशमलव संख्या होगी, क्योंकि भाग की क्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जा रही है, ठीक है? अब देखिए फिर क्या है इसमें, 1/3 चेक करिए। 1/3 क्या है? 1 में आप 3 की भाग देंगे, भाग जाएगी? नहीं जाएगी। दशमलव बढ़ा देंगे, सुनना होगा, दशमलव बढ़ाएंगे सुनना होगा ना, 3 × 3 = 9 होगा। 1 यहाँ 0 बढ़ा दो, 3 × 3 = 9, भाग नहीं जाएगी, सुनना बढ़ा दें, 3 × 3 = 9, डांट डांट। या इसको आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव 3 बार बार है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दशमलव 3 पर बार, दशमलव 3 पर बार। और जैसे दशमलव 3 लिखो चाहे 0.3 लिखो, इसमें कोई अंतर है? तो हम अगर थोड़ा सा 0 लगा देंगे यहाँ तो अच्छा लगेगा ना, जैसे बंगला वंगला बनवा लेते हैं, है ना? तो वही है कटिंग वाला 0.33 है, डांट डांट। 3 बार बार है तो इसी को कहते हैं 0.3 पर बार। तो एक ऐसी संख्या है, शांत नहीं है, कैसी है? अशांत है। कैसी संख्या है? अशांत। ये होगी अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या कौन होगी? 1/3। 1/3 कौन होगी? अशांत दशमलव संख्या होगी, क्योंकि इसमें भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही है। इसी तरह हम अगला चेक कर लें तो शांत अशांत आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 7 में आप 11 का भाग दो, भाग जाएगी? नहीं, 0 कर देना, ठीक। 11 × 6 = 66, कितना बढ़ गया यहाँ? 70 से 66 घटा दिए, कितना हो गया? 4 हो गया, भाग जाएगी? नहीं, सुनना बढ़ा लो, क्योंकि बढ़ा है दशमलव। 11 × 3 = 33, कितना आ गया यहाँ? 7, 0 बढ़ा लो, 11 × 6 = 66, फिर कितना आ गया? 4, 0 बढ़ा दो, 11 × 3 = 33। आप इसको लिख सकते हैं 63 का कागा बार बार आ रहा है, तो 7/11 कैसी संख्या होगी? अशांत होगी। क्या होगी? तो 7/11 होगी अशांत दशमलव संख्या, जिसमें भाग की क्रिया कम
कभी समाप्त नहीं होती है जिस परिमेय संख्या की, तो उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव संख्या, ठीक है ना। तो और देख लें, जैसे इसमें दिया है एक्सरसाइज एक जे, एक जे क्या है देख लें, करा निम्नांकित परिमेय संख्याओं, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए, 11/3, 17/5, 19/6, 3/8, 11/3, 17/5, 19/6, 3/8, ठीक है ना। तो इसको बदलना है दशमलव संख्या के रूप में, किस रूप में? को दशमलव रूप में बदलिए, को दशमलव रूप में बदलो। इसको दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे? 11/3 है तो 11 में किसकी भाग देंगे? 3 की भाग देना जानते हैं, तो कैसे देंगे? कितनी बार जाएगी? 3 बार, 3 तिली के 9, 2 बचा है ना, तो यहाँ हो गया 2, दशमलव बढ़ा देंगे, 3 × 18, फिर 2 आ गया, 0 बढ़ा देंगे, 3 × 18, फिर 3 × 18, डांट डांट। तो इसको आप कैसा लिखेंगे बार पर? 3.6 पर बार बार है, तो दशमलव रूप हो गया 11/3 का। इसी तरह हम 17 में 5 की भाग देंगे तो कैसी संख्या होगी? अशांत होगी। कैसी संख्या होगी? अशांत दशमलव संख्या होगी। 3, 11/3 अशांत दशमलव संख्या। फिर है 17/5, 17 में 5 की भाग दें, 5 × 3 = 15, ठीक है। तो यहाँ 2 है, दशमलव बढ़ा दो 0, 5 × 20, तो ये तो शांत हो गई। कैसी संख्या होगी? शांत दशमलव संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? शांत होगी। इसी टाइप आप देख लें 19/6, कौन देखेंगे 19/6? देखो 19 में 6 की भाग दीजिए, 6 का 3 बार पहाड़ा पढ़ दें, 1 आ गया, दशमलव बढ़ा देंगे 0, 6 × 6 कितना हो गया, यहाँ 4 होगा तो 0 बढ़ जाएगा, 6 × 36, फिर 4 आएगा, 6 × 36, फिर 4 आएगा, 6 × 36। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3.16 संख्या बार बार आ रही है ना, तो 19/6 जो होगी अशांत दशमलव संख्या होगी। क्या होगी? अशांत। इस तरह आप चेक कर सकते हैं भाग दे के कि शांत है कि अशांत है। इसको तो केवल दशमलव में बदलना है, आप 3 में 8 की भाग दे देंगे, 3 में किसकी भाग दे देंगे? 8 की। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलिए, 5/4, 15/2, 16/5, 5/9, देख रहा है ना। इसको किस में बदलना है? दशमलव रूप में बदलिए। तो 5/4 है तो 5 में 4 की भाग दो, आप ऋण को छोड़े रहेंगे, आंसर में लिखेंगे बस, तो 5 में 4 की भाग दीजिए, 4 × 4 कितना बच गया यहाँ? 1, दशमलव बढ़ा दो 0, 4 × 2 = 8, 0 बढ़ गया, 4 × 5 = 20, ठीक है ना। तो आंसर हो गया आपका
ये ऋण है ना, तो ऋण 1.25, इसका दशमलव रूप यही होगा। फिर जैसे है ऋण 15/2, तो 15 में किसकी भाग देंगे आप, 2 की, 2 सातें 14, 1.0 कर देंगे, 2 पाँचें 10, तो आंसर आपका होगा ऋण है ना, ऋण 7.5, ऋण 7.5। अब है 16/5, ऋण 16/5, तो आप 16 में किसकी भाग देंगे, 5 की देंगे। देखिए सोलह में 5 की भाग दो, 5 तिहाई 15, कितना हो गया, 1.0 बढ़ा दो, 5 दुना 10, तो आपका आंसर होगा ऋण 3.2, ऋण है ना। इस तरह 5 में 9 की दे देंगे, ठीक। अब शेष हम लोग कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में।